A very good evening, everyone. That's your mentor Akash Sandeep. I really hope you're all doing great and staying absolutely safe. एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दे if I'm clearly audible and visible to you guys. I can see a lot of people watching the session. Thank you so very much. Make sure you all share the session with all your friends. Now, I think the agenda of the session is very very clear. वो एक title में ही आपको पता चल गया है that we are going to do the weekly current affairs quiz. Sunday, यानी कि yesterday I पोस्टेड सेशन जहां पे हमने 30-35 मिनट्स में पूरे वीक का यानी कि 12 दिसंबर से 17 दिसंबर का पूरा जो करंट अफेयर्स है उसको देखा, बहुत अच्छे तरीके से उसको एनालाइज किया. नाउ द पॉइंट इज कि एवरी संडे यू हैव सच वीडियोस, हर संडे वो करंट अफेयर आता है और हर मंडे आई विल बी ब्रिंगिंग अ क्विज ऑन दैट, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप एक साथ रिवाइज कर ले, मतलब साथ के साथ without any delay you should be able to revise whatever you have studied. So I think that's the best thing which you get over here. Yahan pe Unacademy Defense Mentors ke platform pe hi aapko milta hai. Main aapko bata do 6 pm is the time slot when you are going to watch me and Charasar live on this channel. Aur 12 baje main ek free app ki class lekar aata hu Unacademy app pe. So jo log wahan pe bhi judna chahte mere sath at 12 pm you certainly can. Associate with me, join me over there, and I'm sure you're going to have a great experience there as well. So I really hope ki aap sabne jo Telegram channel hai Unacademy Defense Mentors ka, wo to join kar hi liya hoga. Defense Mentors ke naam se hi channel hai. You can even scan this QR code if you want, so that you are able to seamlessly join that very channel. Aur ye jo 6 pm ka jo time hai, अब यही रहने वाला है, यू नो यूट्यूब के ऊपर लाइव. सो मेक श्योर यू ऑल आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस टाइम, सो दैट आप हर एक सेशन को बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए. क्योंकि देखिए हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आई थिंक आपको पता ही होगा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन ऑल दीज पॉइंट्स. सो आर यू रेडी फॉर द क्विज एवरीवन? देखिए अनअकैडमी की ऐप पे तो मैं क्विज करवाता ही हूं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस क्विज की देखो अपनी एक रेलेवेंस ये है कि यहां पे इन दिस वेरी क्विज यू आर एबल टू गेन इमेंसली अगेन. आपको यहां पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हम दोनों चीजों को अमैलगमेट करें और दोनों ही चीजों को एक साथ लेकर चलें. दिस इज व्हाट आई हैव अ फीलिंग इन दिस रिगार्ड. हाय आस्था, सृजना, विशाल, मिसल, विशाली, विशाल, वेलकम टू द सेशन. इफ यू हैव नॉट शेयर द सेशन इट, मेक श्योर यू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट वो भी इसको ज्वाइन कर पाए. क्लियर? Now, before I start this very session, चलिए यहाँ पे first question से हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी. There you go with the very first question. It simply says, 8th edition of India International Science Festival will be held in which city of India in January 2023? तो आपको ये सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना है. Is it भोपाल? Is it सूरत? Is it कोलकाता या बैंगलोर, कर्नाटका? बताएं. तो आपको ये तो पता होगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इन दैट रिगार्ड्स यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर. हाँ जी सुरजना, बहुत बढ़िया कि 2015 में ही ये स्टार्ट हो गया था पूरा का पूरा फेस्टिवल, एंड ये 8th एडिशन है. सो इट्स गोना बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया? चलो, इट इज भोपाल, मध्य प्रदेश. नॉट इजी टू गेस, दैट्स व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन. ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, याद रहेगा भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश. नाउ इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स आल्सो, बी इट सीडीएस एग्जाम, बी इट सीएपीएफ एग्जाम और इवन एफकेट एग्जाम, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो यू हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन दीज थिंग्स. सो लेट मी टेल यू, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है इट्स गोना बी हेल्ड इन भोपाल इन जनवरी 2023, और सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज वन ऑफ द मेजर इवेंट टू बी हेल्ड इन इंडिया सिंस इंडिया टुक ओवर G20 प्रेसिडेंसी. अब हमारे पास G20 प्रेसिडेंसी तो इंडोनेशिया की तो बात हमें मिली गई है, एंड आपको ये बहुत अच्छी चीज समझनी है कि जो हमारा एजेंडा होगा G20 का वो इन्हीं चीजों से बिल्ड होगा, थोड़ा थोड़ा करके. शेरपा की मीटिंग्स तो होती रहेंगी, अमिताभ कांत हमारे शेरपा हैं, एंड विल हैव सो मेनी यू नो मीटिंग्स टिल द टाइम वो एजेंडा नहीं हमारा बन के आता, तो ये सारी चीजें उसको शेप करेंगी. द बेस्ट थिंग इज कि 2015 में ये स्टार्ट हुआ था IISF, और तब से ये चलता जा रहा है. सो ये 8th एडिशन तक हमारा अब पहुंच चुका है. आई थिंक इट्स वेरी इजी, वेरी मच क्लियर टू यू गाइस कि कैसे हम इन पॉइंट्स को समझ रहे हैं. चलो
बिल्कुल। अब आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट मी सी हाउ मेनी इफ यू कैन आंसर दिस वन। क्योंकि देखो ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ इसके ऊपर यू मे बी गेटिंग डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट्स द रीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दे गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स रिलेटेड टू द स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस स्टार्टअप ऑफ जापान हैज लॉन्च कमर्शियल मून लैंडर हकुतो ऑन 11th of December? इज इट स्पेस स्केल, आई स्पेस, सिंस्पेक्टिव या फिर एक्सेल स्पेस? वेरी गुड। आई थिंक ये तो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी इजी वन। नाउ इट इज आई स्पेस। अब ये किससे रिलेट कर रहा है? हम सबको पता है अबाउट राशिद रोवर, इट वॉज इन लॉट ऑफ न्यूज। किसका है ये रोवर? पहला यूएई का रोवर है दुबई, तो यूएई का रोवर है ये, उन्होंने ये रोवर बनाया, इसको हकूतो आर लेकर जा रहा है ऊपर मून तक, एंड फाल्कन 9 जो स्पेसएक्स का रॉकेट है उसका इस्तेमाल किया गया। तो तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, समझ आया? एक रॉकेट जो कि है स्पेसएक्स वालों का, स्पेसएक्स का फाल्कन रॉकेट है, उसके अंदर हमने देखा वी हैव गॉट हकुतो आर जो कि किसका है, जापान का है, एंड इसके अंदर है हमारा राशिद रोवर जो कि यूएई का है, राशिद रोवर जो कि यूएई का है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट एब्सोल्यूटली क्लियरली कि भाई ये तीन एक कोलैबोरेशन है, स्पेसएक्स तो यूएसए की कंपनी है, ठीक है, आई स्पेस जापान की कंपनी है जिसका ये लैंडर है, और राशिद जो है वो यूएई वालों का। आई होप इट्स 100% क्लियर टू यू गाइस एवरीवन। तो देखो माइनर माइनर से जो पॉइंट्स हैं हमें मतलब यहां पता होने चाहिए, तभी जाके पूरी की पूरी क्लैरिटी हमें मिलेगी। चलिए लेट्स मूव अहेड देन। सो आई थिंक आप सबने पिक्चर तो देखी ली थी, करंट अफेयर देखा है कि नहीं देखा है? एवरीबडी हैव वॉच दैट करंट अफेयर का सेशन, राइट? सो इन केस यू हैव नॉट वॉच, मैं एक बार दिखा देता हूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज द राशिद रोवर। देखो मैं वही बता रहा हूँ, ये जो रोवर है इसका नाम है राशिद, राशिद रोवर, ये यूएई यूएई ने बनाया है, ये यूएई ने रेडी किया है, लेकिन रोवर को लैंड किससे करवाओगे? एक लैंडर चाहिए ना, ये जापनीज है, लैंडर जापानीज है, रोवर यूएई का, सिंपल सी बात है। लैंडर ये हकुतो, हकुतो मतलब होता है एक रैबिट जो मून पे रहता है माइथोलॉजिकली है, मतलब है सिर्फ स्टोरी लाइन ही है, बट हमें पता होना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया, वेरी इजी। अब यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बताएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड एज टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो ये बताइएगा, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है, सो ये आप बता सकते हैं। गुड जॉब, सो आई थिंक एवरीबडी कैन सर्टली लेट मी नो अबाउट दिस पॉइंट। अच्छा अब यहाँ पे बिफोर ए मूव हेड ये बताना, एलोन मस्क भी थे लेकिन दैट वाज फॉर 2021, राइट? 2021 के लिए एलोन मस्क वाज देयर, बट क्वेश्चन 2022 की बात कर रहा है तो इट विल बी वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यू नो दिस थिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन माइनर माइनर चीजों को जानना, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड। सॉर्टेड, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आपको पता है गांधी जी भी कभी टाइम्स मैगजीन टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर थे, महात्मा गांधी, व्हेन व्हेन वाज दैट? थिंक अबाउट इट। सो हाँ 1930 में जब सॉल्ट सत्याग्रह वगैरह किया है ना, उसकी वजह से गांधी जी को टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 1930 बनाया गया था। सो ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करना। सो एनीवेज अगर आपको नहीं भी पता तो चलेगा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि गांधी जी भी रह चुके हैं पर्सन ऑफ द ईयर, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। 2020 में तो कमला हैरिस भी थी, जो बाइडन भी थे, आई थिंक 2020 में ये। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 2020, यस दिस इज हाउ इट वाज। सो यहाँ पे हाँ आई डोंट, हाँ बाकी तो आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप ये बताना अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे तो,
आई रियली होप कि यू आर एबल टू आंसर दैट, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पूरा बेस्ड ही इसके ऊपर है कि आपको कितने ज़्यादा जो चीज़ें ये पता है. इट सेज इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा. आपने शायद सुना होगा ऑपरेशन 777 के बारे में, तो अगर नहीं सुना है तो अभी आप सुन लोगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक प्रॉपर लेवल पे जाके हम उसको समझेंगे, ऑपरेशन 777. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ऑपरेशन 777? क्वेश्चन आएगा किससे रिलेटेड है, ड्रोन से रिलेटेड है. द आंसर इज चेन्नई. पहली बात तो चेन्नई इज द राइट आंसर. नाउ गॉट टू अंडरस्टैंड, गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन यात्रा दैट इज ऑपरेशन 777 इज गोइंग टू एजुकेट एंड डेमोन्स्ट्रेट एफिकेसी ऑफ ड्रोन अक्रॉस एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन 777 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. ये बहुत बड़ी बात है, 777 डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन की जो यूजफुलनेस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. तो आप पहले तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लें. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रिसाइसली. नाउ हैविंग सेड दैट, आपको एक चीज समझनी है कि जो अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ही इनॉग्रेटेड फर्स्ट ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एट चेन्नई. जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गरुड़ एयरस्पेस की, वहीं पे हमने देखा है. एंड ये एक बहुत अच्छी चीज है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रोन की जो पूरी एप्लीकेशन है, जो ड्रोन की यूजफुलनेस है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा. सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये नीड ऑफ द आर ही है, मैं तो ये बोलूंगा, और हमें इसमें पता होना चाहिए. चलो, क्लियर हुआ इतना, नेक्स्ट पे चलते हैं. अब देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम व्हिच वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, और उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन यहां पे फ्रेम किया है. रियली होप यू आर एबल टू आंसर दस. ध्यान दीजिएगा, अब दिस क्वेश्चन इज अबाउट प्रधानमंत्री आदि ग्राम योजना. ठीक है, सो इट सेज दिस स्कीम is a centrally and state government sponsored scheme. It aims at mitigating gaps and providing basic infrastructure in village. बताए तो क्या लगता है आपको? देखिए, दूसरा तो बिल्कुल सही है, स्पेशली जो ट्राइबल्स हैं उनकी ये मदद कर रहे हैं. बट पहले में दिक्कत क्या है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों का तो मैं नहीं बोलूंगा यहां पे. वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि यहां पे 100% जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रही है 100%. अब क्योंकि यहाँ पे 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग आ रही है, सो दैट्स व्हाई वी कांट से द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट को पिक करना था. समझ आ गया इतना? वेरी इजी दिस इज. तो मतलब इन क्वेश्चन को एटलीस्ट आपने गलत नहीं करना है एग्जाम में, ये आपको पता होने चाहिए हमेशा. यू शुड बी वेरी क्लियर अपॉन दिस पॉइंट्स. चलो आगे बढ़े. ठीक है, नाउ द पॉइंट नेक्स्ट वन गोज ऑन योर स्क्रीन्स. ये ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेशंस हैव कंडक्टेड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज रिसेंटली. अभी हमने देखा कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इनकी हुई है, तो क्या लगता है आपको? 39th एडिशन है वो, सो इट्स सर्टली वेरी मच इंपॉर्टेंट. वेरी गुड इंडियन. अच्छा, एक बात बताओ, क्या भूटान के कोस्ट गार्ड होगा कोई? नहीं होगा. इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स जो है वो कॉर्पोरेट नहीं करती है, नेवी की होती है. इंडियन आर्मी सिंगापुर आर्मी भी नहीं है, तो सिंस इट इज ऑल नेवल, तो इट हैज टू बी ए, इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी. नाउ द ऑप्शंस ओवर हियर आर वेरी मतलब रेलेवेंट है, आपको पता चल जाए तो ऑप्शन से ही कि क्या आंसर होगा, और यही आपको यहाँ पे ध्यान देना. You got to focus on this thing कि कैसे ऑप्शन से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं. टिल द टाइम वो आर्ट हम लोग डेवलप नहीं करते तो थोड़ी सी दिक्कत होती है. सो मेक श्योर यू आर डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर आर्ट. समझ आ गया इतना? अच्छा, ये बताइएगा नेक्स्ट वन. रिसेंटली वी सॉ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया. सो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहां पर है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट यहां पे बनाया जा रहा है. एंड आपको पता है वी हैड अ ग्रेट लीडर विद द नेम ऑफ मनोहर
पारिकर, और मनोहर पारिकर के ही नाम पे मोपा है और मोपा इज इन गोवा. सिंपल. तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई मोपा एयरपोर्ट कहाँ है, यू शुड नो इट इज गोवा. मनोहर पारिकर जी के नाम पर ही है. एब्सोल्युटली यू आर राइट. ठीक है, तो इसमें तो कोई फाइट नहीं है. आई थिंक यू आर ऑल क्लियर इन दिस रिगार्ड. चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं. लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये बताना, कई बार हम लोग बात करते हैं अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. ठीक है, वी सेलिब्रेट दैट, उसको प्रॉपर तरीके से मनाया जाता है. अब आपको ये बताना है कि जो कि हम लोग मनाते हैं ये पर्टिकुलर दिवस, इस दिन की इस बार थीम क्या रखी गई. वॉट एग्जैक्टली वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022? क्या थी थीम? 12 दिसंबर को तो हमने मनाया, ऑब्जर्व किया, बट थीम क्या रही? थिंक अबाउट इट. सो सी, आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू एटलीस्ट कमेंट एंड लेट मी नो. आप कमेंट करते रहेंगे तो उससे आपको भी ज्यादा क्लैरिटी यहां पे मिलेगी. इट इज बिल्ड द वर्ल्ड वी वॉन्ट, हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल. दिस वन आप देख सकते हैं, बिल्ड द वर्ल्ड वी वॉन्ट, हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल. तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बहुत क्लियरली थीम मेंशन है. वी हैव ऑलरेडी मेंशन दिस पर्टिकुलर थीम. अब ये बताना जरा, यहां पे एक मैं सिंगर बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको. शी इज नॉट विद अस, शी इज द वन. मतलब यहां पे एक आर्टिस्ट मैं बोलना चाहूंगा, सुलोचना चवन इनका नाम है. फाइन. अब आप बताऊं कि बताएंगे कि ये किस फील्ड से जुड़ी रही, मतलब शी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड. सुलोचना चवन में इनकी बात कर रहा हूं. वेरी गुड. तो शी हैज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू आर्ट लिटरेचर इन इंडिया. तो ये बताइएगा जरा. चलिए, शी वॉज अ ग्रेट लावनी सिंगर. अगर आप कभी महाराष्ट्र में जाएंगे सो आपको बहुत लावनी आर्टिस्ट दिखते हैं. सो शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लावनी आर्टिस्ट विच वी एवर सीन. तो ये इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं. ठीक है, हाँ बिल्कुल. चलो नेक्स्ट पे चले. अब आप एक चीज नोटिस करना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अब देखो आपको पूरा साल G20 के ऊपर बहुत करंट अफेयर देखने को मिलेगा. G20 के करंट अफेयर को बहुत ध्यान से नोटिस करना. वाई? बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव दैट ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द एग्जामिनर. तो हमें थोड़ा सा उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. ठीक है, चलो अब ये देखना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे है. अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, 4-day मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया ऑन 13th of December. अभी रिसेंटली हमने इस चीज को देखा, तो कहां पर ये देखने को मिला है? वेरी गुड. अब देखिए, उदयपुर में शेरपा मीटिंग हुई थी, मैं मानता हूं, लेकिन वो अलग थी. दैट वॉज अ मीटिंग ऑफ शेरपास. लेकिन ये जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, ये अभी अभी मुंबई में हुई थी. तो इसमें कंफ्यूज मत हो प्लीज. उदयपुर में हुई थी शेरपास की मीटिंग, बट यहां पे ये मुंबई में हुई है. तो ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी, तो ये ध्यान रखिएगा. जैसे अब डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की अगर बात आ रही है तो इट हैज टू बी मुंबई, विच इज द राइट आंसर. मुझे ये तो नहीं पता कहाँ पे हुई है विशाल, बॉम्बे में, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मुंबई में हुई है. चलो, आई थिंक इट्स क्लियर. और आप खुद नोटिस करेंगे कि मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. यू आर बाउंड टू हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी वेरी मच स्मार्ट. और आप अगर करंट अफेयर की वीडियो देखोगे मेरी, तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं आपको. मतलब आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी थिंग्स. ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करना, नेक्स्ट वन जो है वो क्या आपको आंसर लगता है उसका, ये थोड़ा सा हम देखते हैं. कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन्स डे 2022 दैट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन December 11th? वेमेन मूव माउंटेन्स, सस्टेनेबल माउंटेन लाइफ, प्रोटेक्टिंग माउंटेन डाइवर्सिटी, माउंटेन्स आर बेस्ट. तो ये आप बताइएगा जरा. अब यहां पे भी थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाए तो आंसर हमें मिल जाएगा. वी अप्लाई अ बिट ऑफ लॉजिक एंड वी आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर. इट एब्सोल्युटली इज वेमेन मूव माउंटेन्स.
अब ये बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने ये विमेन का जो एंगल है इसको यहाँ पे लाके इसके साथ जोड़कर देखा है, विच एक्चुअली इज अ वेरी फिनोमिनल थिंग. वुमेन मूव माउंटेन्स यहाँ पे हम देखते हैं. सॉर्टेड सेशन अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया, मेक श्योर यू शेयर द सेशन ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन के साथ जुड़ सके. एंड डू हिट द लाइक बटन सो दैट ऑल द पीपल आउट देयर आर एबल टू एड इट इन देयर लाइक्ड वीडियोज. ये लाइक वीडियोज में आपकी ऐड हो जाएगी व्हेन यू हिट द लाइक बटन एज वेल. और हर संडे सुबह मैं वीकली करंट अफेयर्स लाता हूँ और मंडे को अब मैं क्विज करवाया करूंगा, तो एक सिंक आपका बन जाएगा. यू स्टडी वन थिंग एंड देन यू अप्लाई इट. अमनदीप, आई डू दैट वेरी सून. बहुत जल्दी हम लोग उसको करने वाले हैं, वो चिंता ना करें. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दैट वेरी वेरी सून. चलिए मूविंग अहेड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च क्लाइमेट चेंज मिशन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये बताएं पहली स्टेट इंडिया की जिन्होंने एक पूरा प्रॉपर मिशन जो है उसको लॉन्च किया है, वो कौन सी स्टेट है. गुड जॉब. अब ये तो आई थिंक आप आंसर कर सकते हैं, यू ऑल कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, इतनी बहुत बढ़िया. हाँ जी, इट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है. बहुत बढ़िया. सो आई एम ग्लैड दैट यू ऑल आर एटलीस्ट एबल टू आंसर दिस वन. इट इज तमिलनाडु विच इज द राइट आंसर ओवर हियर. चलो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पे बताना. जो रूट इज द थर्ड क्रिकेटर इन हिस्ट्री जिसने 10,000 रन भी बना लिए और 50 विकेट्स भी निकाल ली. ये बहुत बड़ा एक्चुअली कीर्तिमान है. तो आपको ये बात बतानी है कि वो कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं. अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो. दिस एक्चुअली इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए, ही प्लेज फॉर इंग्लैंड. बहुत बढ़िया. नाउ वन मोर क्वेश्चन आई हैव कि और दो ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान को स्थापित किया है. डू वी हैव एनी अदर प्लेयर? इफ यस, कौन प्लेयर है और भी जिन्होंने इस कीर्तिमान को स्थापित किया है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है ना, मतलब ये छोटी बात तो है नहीं. सो एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग थिंग. इट इज कैलिस और स्टीव वॉ. बिल्कुल. सो आई विल जस्ट शो यू ऑन योर स्क्रीन्स एज वेल सो दैट आप देख पाए. आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो टेस्ट टेस्ट क्रिकेट की जब भी हम लोग बात करते हैं, सो दीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स. सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं है, मैं उसका रीजन भी बताता हूँ. सचिन हैज गॉट आई थिंक 45-46 विकेट्स हैं सचिन की. क्योंकि सचिन तेंदुलकर 50 विकेट्स नहीं है उनके पास, रन तो बहुत हैं, इसलिए वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं है. तो 10,000 रन 50 विकेट्स का जो क्लासिक क्लब है, इसमें जैकिस कैलिस साउथ अफ्रीका, स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया और जो रूट इसके पार्ट है. तो याद रखिएगा 46 विकेट्स की वजह से सचिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लब, सो ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड. जो रूट. आई होप इट्स क्लियर. सो ये आप खुद देख सकते हैं कि यू नो ऑल दीज क्वेश्चंस दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. हाँ, फैक्चुअल है, लेकिन आपको अगर एक बार बेसिक आइडिया है इसका तो आप आराम से यहां आंसर कर लेंगे. चलो. हाँ जी, हाँ जी. नेक्स्ट वन गोज ऑन योर स्क्रीन. आप बताएंगे आईसीसी ने विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अभी अभी लॉन्च किया, नाम रिलीज किया, तो किसको मिला? स्मृति मंदाना, नहीदा खान, हरमनप्रीत कौर या फिर सिद्रा अमीन. सो किसको, किस विमेन क्रिकेटर को इससे सम्मानित किया गया है. गुड जॉब. सो विमेन क्रिकेटर ऐसे, मतलब वो मेल क्रिकेटर, विमेन क्रिकेटर वो निकालते रहते हैं हर महीने, तो आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. इट इज एब्सोल्युटली सिद्रा अमीन. देखिए, मुझे पता है बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इंडियन प्लेयर है, इसमें इंडियन प्लेयर नहीं है. इट इज सिद्रा अमीन. डी इज द राइट आंसर. ये आप देख सकते हैं, शी प्लेस फॉर पाकिस्तान. सिद्रा अमीन. क्वेश्चन क्या आएगा आपको, सिद्रा अमीन क्या खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं. कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं? पाकिस्तान के लिए खेलती हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. और जो जॉस बटलर को तो सब कोई जानते ही हैं. सो यू शुड नो दीज आर द प्लेयर ऑफ द मंथ. वो कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा प्लेयर ऑफ द मंथ, क्योंकि वो तो हर महीने चेंज हो जाते हैं. बट एक बार जो प्लेयर ऑफ द मंथ बन जाता है, फिर ऑफकोर्स ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और वो कौन सी कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं. सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर. चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. अभी रिसेंटली पर्सन वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, दिस वन.
Miroslav Herman Sui. He passed away recently. He was the only astronaut of which of the following country? कौन सी country के इकलौते astronaut थे वो? Very good. So ये तो I think आप बता सकते हैं सबको. He belonged to which country? He was from Poland. Absolutely. Poland से ही belong करते थे. Poland के ही थे रहने वाले. और इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए मिली क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो स्पेस में गए. सो यार दैट्स अ बिग डील. तो आप बस ये याद रखिएगा, नहीं फिनलैंड नहीं बेटे, पोलैंड. पोलैंड इज द राइट आंसर. सो अब क्वेश्चन आपको कैसे आएगा एग्जाम में बताता हूँ. वो कहेंगे मिरोस्लो हरमेंस्की पास वे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड. कौन से फील्ड के साथ ये जुड़े हुए थे. सो दीज आर द काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन बी गेटिंग. ठीक है, समझ आया इतना? बिल्कुल. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है सारे के सारे जो पॉइंट्स जो हम लोग देख रहे हैं. अब आप यहां पे ये बताना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट अगेन इज वेरी इंटरेस्टिंग. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टर्स विल बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट सिविलियन मिशन टू द मून डियर मून क्रू 2023. तो पारुल सियानी, पुरवेश पिंपल, शमली राज या फिर देव जोशी. वेरी गुड. सो यहाँ पे आई थिंक आपने इनका नाम जरूर सुना होगा. ठीक है, आपने बालवीर देखा है अगर, तो एक सीरियल आता था पहले बालवीर, बहुत देखते थे बच्चे, तो उसमें देव जोशी अभिनय कर चुके हैं, काम कर चुके हैं. तो देव जोशी इज द राइट आंसर. तो बस ये याद रखना, डियर मून क्रू क्या है, एक सिविलियन मून मिशन है एंड देव जोशी इज गोना बी अ पार्ट ऑफ दैट. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. आपने इनको बालवीर में जरूर देखा होगा, देखा है कि नहीं. एनीवेज इन द कमेंट सेक्शन यू कैन सी अ पिंड कमेंट आल्सो. कमेंट्स में एक पिंड कमेंट आप देख सकते हैं और वो पिंड कमेंट जो है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे जिसको आप क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. यू सेटिंग एंड क्लिक एंड फॉलो मी. सॉर्टेड. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, दैट्स इजी वन. क्योंकि फ्री ऐप पे मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ. एवरी डे एट 12 PM आई कम ऑन अनअकैडमीज ऐप जहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ. बिल्कुल ही थी. अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO. WHO के चीफ साइंटिस्ट बनने का किसको मौका मिला है. वेरी गुड. इज इट सी डॉयलिक, चैरल टिकल, जेरमी फरारिया, सौम्या स्वामी. बताएं, इट इज जेरमी फरार. आई थिंक ये तो बहुत इजी है. जेरमी फरार इज द राइट आंसर. दिस इज द पर्सन जेरमी फरार. और ये मैं करंट अफेयर वैसे कवर कर चुका हूँ. ठीक है, आई हैव कवर्ड इट ऑल. सो पर्सन इन न्यूज की जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स दैट्स अ वेरी बिग थिंग. हमें पता होनी चाहिए ये जो भी माइनर पॉइंट्स इसके बारे में, एक बेसिक आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लियर. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. ये बताइएगा 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो किसको दिया गया है. शी इज फ्रॉम पोलैंड. ठीक है, तो ये बताएंगे आप. वुमेन टेनिस के लिए दिस अवार्ड हैज बीन अवार्डेड. बताए. इट इज ईगा स्वतिक जो कि पॉलिश टेनिस प्लेयर हैं. इन्होंने ग्रैंड स्लैम्स भी अभी रिसेंटली जीते हैं. सो देखो, अगर आप कभी भी ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल जाएगा. बट उसके बिना बहुत मुश्किल होता है कि आपको कभी भी मिले. जैसे अगर हम 2022 की बात करें तो US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये सेमीफाइनल तक गई थी. फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन, US ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी अच्छा किया. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप देख सकते हैं कि शी हैज बीन अवॉर्डेड दैट. And that's not a small thing. And the best part is she is just 20-21 years old. So, is age mein she is achieving so much. That is what speaks for itself. Bilkul. So, I hope it's clear to you guys. So, aapko ye sare ke sare jo points hain, unko ek saath dimag mein rakhe chalna hai. Jaise WTA awards jab bhi aayenge, so we have to be clear in this regards. For example, ek aur WTA award hai jiske baare mein baat karna chahunga main.
ब्राजील की एक प्लेयर को मिला है, दैट इज मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. सो बीट्रेस माया जो कि ब्राजील से है, बिलोंग करती, इनको ये अवार्ड दिया गया. सो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. क्लियर हो गया इतना? सो एनी वन हैविंग इवन आयोटा ऑफ डाउट दे श्योरली कैन लेट मी नो. किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं. चलो ये बताना, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस वन. अभी रिसेंटली 14th दिसंबर जो है, मिनिस्ट्री ने एक डे मनाने की घोषणा की. डे मनाया गया इनफैक्ट. सो आप बताएंगे कौन सा दिवस है जो ये मनाया गया है, नेशनल डे ऑफ लाइट कंजर्वेशन, नेशनल अर्थ डे, नेशनल पावर न्यू डे, या फिर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? वेरी गुड. सो ये तो आई थिंक आपने सुना भी होगा, काफी न्यूज में भी था, इस बार प्रमोट किया गया सरकार के द्वारा. पूरा जो एजेंडा है दे प्रमोटेड रियली नाइसली एंड एवरीबडी डिड फोकस ऑन द एजेंडा कि भाई हमें भी पावर को कंजर्व करना है. तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, डी. तो ये याद रखिएगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14th ऑफ दिसंबर. क्वेश्चन कैसे आएगा एफकेट में कि 14 दिसंबर को कौन सा डे है या नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें तैयार रहना है. ऑलवेज वी हैव टू बी वेरी मच रेडी फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो वॉट आई वुड ऑलवेज वॉन्ट इज कि हमें कम से कम एक बेसिक क्लैरिटी ही रहती चीजों की, तो वी आर एबल टू डू रियली वेल इन द एग्जामिनेशन. अब जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, हाँ जी, वो प्लीज इसको ज्वाइन जरूर कर लें. डिफेंस मेंटर्स आप यहाँ देख सकते हैं. मेक श्योर यू ज्वाइन दिस चैनल राइट नाउ सो दैट आप इस चैनल को ज्वाइन करके हमारे सभी लिंक्स जो होते हैं क्लासेस के उनको देख सकते हैं. कल भी मैं 12 बजे आऊंगा लाइव ऑन अन अकेडमीज ऐप, जहाँ पे बहुत अच्छे तरह से हम लोग सेशंस जो हैं वो करेंगे. फ्री सेशंस में लाता हूँ, बहुत सारे मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ सीरियस ओरिएंटेड, तो उसको ज़रूर अटेंड किया करें. यू कैन फॉलो मी ऑन द अन अकेडमीज ऐप, वहाँ पे लिंक आपको पिन कमेंट में दिख रहा होगा. उससे आप एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है. सून वी आर कमिंग अप विद द सीडीएस कोर्स एज वेल. एफकेट का कोर्स तो चल ही रहा है, सो यू कैन एनरोल इन द प्लस सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू हैव अ गुड डील ऑफ क्लैरिटी ऑन एवरीथिंग. आप कोर्सेज के भी एक पार्ट बन सकते हैं इफ यू वॉन्ट. सो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इन केस यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, दिस इज वॉट द प्लान इज लाइक. जब भी कोर्सेज के बाद आते हैं, जैसे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सो नाउ इट्स अवेलेबल एट अ कंपेरेटिवली लो प्राइस. ऊपर भी आप UDM10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, यू गेट अ 10% ऑफ ऑन टॉप ऑफ इट. सो आई थिंक दैट्स विच सब्जेक्ट आई विल बी टीचिंग. विशाल सी, देखो कोर्स के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटी में से जैसे वन सब्जेक्ट आई विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स एज वेल. इकोनॉमी का भी पार्ट मैं लूंगा, सो अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स पे बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके मैं बना दूंगा. सो आप चिंता ना करें उसकी, ठीक है? सो मैं बहुत फ्री क्लासेस भी ले रहा हूँ वहाँ पे, तो उसका भी आप एक पार्ट बन सकते हैं. एंड दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ. हैव अ ग्रेट इवनिंग एवरीवन, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा. सो डू शेयर एंड डू हिट द लाइक बटन एज वेल. थैंक यू सो